केवल भगवान के स्मरण के लिए ही शरीर मिला है, लेकिन हम जैसे जो मूर्ख प्राणी हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते। केवल कृष्ण स्मरण के लिए ही शरीर मिला है। इही तन कर फल विषय न भाई, भगवान राम ने अपने प्रजाजनों को 40 दोहे के बाद बताया है, मेरी प्रजाओं ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, इस साधन का धाम है, तुम भगवान से मिलो, विषय की ओर नहीं जाओ। एही तन कर फल विषय न भाई, एही तन कर फल विषय न भाई। और कुछ लोग यज्ञ करते हैं स्वर्ग मिल जाए, वो भी नासमझ हैं, क्योंकि स्वर्ग भी थोड़े दिन के लिए मिलता है, उसके बाद फिर वही 84 लाख योनियां और नरक, यही सब होता है। इसलिए स्वर्गहु अल स्वल्प अंत दुखदाई, नरतन पाए विषय मन देही। मनुष्य बनने के बाद विषय भोगों में जो देता है मन, वो अमृत छोड़ के जहर पी रहा है। पलटी सुधाती षठ विष ले ही, कोई भी सच्चा व्यक्ति इसको सही रास्ता नहीं बताएगा। विषय को, संसारियों को छोड़ दो। ताहे कबहू भल कहे न कोई, पारसमणि छोड़ करके गुंजा चिरमिटी जिसमें जहर होता है उसको कोई पक लेता है, अच्छी बात नहीं। गुंजा गई परसमणि खोई, विषय भोगोगे तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। आकर चारी लक्ष 84 योनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, फल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू ककर करुणा नर देही। एत ईश बिन्हे तू सने। तुलसीदास जी को एक ठोकर लगी थी, रत्नावली ने ठोकर मारा था। अस्थि चर्म मय देह तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ मां होत न तो कहूं भवभीत। एक ठोकर लगी थी, तुलसी तुलसी बन गए। बिल मंगल को एक ठोकर मारा था चिंतामणि ने, उस ठोकर से कृष्ण मिल गए। रावण ने विभीषण को लातों लात पिटाई किया था सभा में, ठोकर मारा था, निकाल दिया था, उस ठोकर से राम मिल गए। ध्रुव को सौतेली माँ ने सिंहासन से बैठते उतार गिरा दिया और चाटा, भाग जा मर जा, और तपस्या करके हमारे पेट में से जन्म ले जब सिंहासन मिलेगा। एक ठोकर लगी थी जब ध्रुव ध्रुव बने थे, उस ठोकर ने ध्रुव को ध्रुव बनाया। परीक्षित को भागवत मिली या मुक्त हुए, एक ठोकर मिली और उन्होंने उस शाप को कि हम मर जाएंगे सातवें दिन, उस ठोकर को वरदान मान लिया। ये उनकी तारीफ थी प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में।
ससाधु मेने नचिरेण तक्षकानलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। दूसरा आदमी तो डर जाएगा, 7 दिन में तक्षक आके काटेगा, खाना पीना भूल जाएगा, नींद नहीं आएगी, 7 दिन में मर जाएंगे। लेकिन उन्होंने ससाधु मेने, वाह बड़ी कृपा भाई, बोले कृपा हो गई। वैसे तो हम मर ही जाते आसक्ति में, भोगों में। अब एक ठोकर लगी, आंख खुल गई, 7 दिन भगवान का भजन तो करेंगे, आसक्ति तो हटी। आसक्ति नहीं हटती है, ठोकर से आसक्ति हटती है। ससाधु मेने, उनका बड़ा अच्छा हुआ हमको श्राप मिला। नचिरेण, बहुत जल्दी हमारी आसक्ति हट गई, देर नहीं लगी। श्राप सुनते मान, अरे 7 दिन ही जीना है भाई। तक्षकानल, तक्षक की विष की आग हमारे विरक्ति का कारण बन गई। तो ये ठोकरें आती हैं जब जीवन में, तब आंख खुलती है। ऐसे आसक्ति नहीं हटती, ऐसे नहीं आ सकती, कभी नहीं हटेगी। कृपा करो, कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।